सुबह आपने मुझे एक बात कही थी कि जी आपके वादे खोखले थे, उन वादों को खोखला ना रखने के लिए और लगातार इसके काम करने के लिए हम सुबह से यहाँ हैं। आज हमारी आड़तियों के साथ जो भी हुई, चलो हमारे भाई हैं ये भी, हमने आज इनको सभी को आप देख सकते हैं सारी मंडी में सारे आड़तियों को उनकी दुकानों पर भेज दिया है। और यहाँ पर मासाखोरों के लिए अभी रात 11 बजे या 12 बजे हम यहाँ मार्किंग करने लग रहे हैं। उस मार्किंग में भी एक ब्लॉक छोड़ के एक में मासाखोर बैठेगा। एक आप मिर्च लगाते रहो, हम काम करते रहेंगे। ये ऐसा था कि लोग कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, कुछ कह रहे थे कि वही सरकारी कर्मचारी है, इसकी तो बदली करवा देंगे, हम अपनी मर्जी चलाएंगे। तो बदली से तो डर नहीं लगता भाई, लोगों की जान बच जाएगी तो अच्छा है, क्योंकि सुरक्षा उनकी है। सवाल सिर्फ 500 रुपए का है। आज देखोगे अष्टम साहब सुबह 3 बजे आ लिए थे, आप 9 बजे आए। मैं 9 बजे आया क्योंकि 3 बजे कार्रवाई नहीं हो सकती थी, 9 बजे हम कार्रवाई की है, 9 बजे हमने चालान काटे हैं और एसडीएम साहब की रिपोर्ट थी और हमने कार्रवाई की है। फिर पहुंचे हासी के एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र रावत, देर शाम को नई सब्जी मंडी में ये खबर आ रही है जो अब तक हम पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें सब्जी मंडी में पहुंचे हैं और मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी के साथ उन्होंने पूरी सब्जी मंडी का दौरा किया, निरीक्षण किया है और यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई है, शेड के नीचे कौन बैठेगा, दुकानों पर कौन बैठेगा, ये पूरी तस्वीर आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। आज सुबह से लेकर रात तक अधिकारीगण नई सब्जी मंडी में डटे हुए हैं। भाई साहब एक मिनट, हाँ हाँ भाई साहब, ये हमारा सूट जाना को नहीं होने लग रहा, कब तक होगा? नहीं बता दिए कर रहे हैं, आज हो जाएगा जी हमारा। धन्यवाद आपका, लाइक करता हूँ मैं। ये आपके चैनल जी क्या व्यवस्था रही है यहाँ? हाँ जी, ये तो बहुत बढ़िया व्यवस्था कर दी। मैं तो एसडीएम साहब का और सेक्रेटरी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद मानता हूँ कि मासाखोरों के इन्होंने बहुत बढ़िया तरीका से सुनवाई करी है, हाँ बहुत ही बढ़िया व्यवस्था दी है कि भाई इससे कोरोना की महामारी से बचाव होते हुए अलग अलग डिस्टेंसिंग से बैठेंगे और इसका हम पालन करेंगे। और एसडीएम साहब का और सेक्रेटरी साहब का, हम सब भाई मासाखोर तह दिल से इनका शुक्रगुजार हैं और धन्यवाद। तो मैं आपका अपना ललित भारद्वाज, आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। आज सुबह 3 बजे से लेकर अब रात हो चुकी है, सब्जी मंडी में हम लगातार दौरे कर रहे हैं, लगातार यहाँ की अपडेट आपको दिखा रहे हैं। रात के समय में भी देख सकते हैं कि दिन जैसा माहौल आपको सब्जी मंडी में देखने को मिलेगा और यहाँ चहल पहल किस प्रकार आप देख सकते हैं। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी पवन चोपड़ा हमारे साथ है। अब कुछ ही देर पहले हासी के एसडीएम डॉक्टर जितेंद्र रावत ने भी यहाँ का दौरा किया है, सुबह भी किया था 3 बजे और अब भी करके गए हैं। और आड़ती अपनी दुकानों पर है, मासाखोर अपनी व्यवस्था कर रहे हैं साइड के नीचे। बड़ा आज लगातार देखेंगे सुबह से लेकर अब तक मार्केट कमेटी की सेक्रेटरी ने यहाँ मोर्चा संभाला हुआ है और मोर्चे में क्या निकला आज, कस्सा कस्सी भी देखने को मिली, कहीं ना कहीं आपस में गर्मा गर्मी भी देखी गई। और मार्केट कमेटी की सेक्रेटरी पवन चोपड़ा ने कहीं आज एक ऐसा बयान भी दिया जो आपने देखा भी है कि इन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मुझे कोरोना से डर लगता है, तबादले से डर नहीं लगता, ये एक बहुत बड़ी बात कही थी। उसी का परिणाम आज कुछ व्यवस्था हुई है, कुछ सुधार हुआ, आखिर क्या हुआ उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। सर सबसे पहले आपका हरियाणा पोल खोल न्यूज में स्वागत है, लगातार देख रहे हैं आज सुबह से ही व्यवस्था बनाने में रखने लग रहे हैं, तो क्या रहा आज डिसीजन? पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। सुबह आपने मुझे एक बात कही थी कि जी आपके वादे खोखले थे, उन वादों को खोखला ना रखने के लिए और लगातार इसके काम करने के लिए हम सुबह से यहाँ हैं। आज हमारी आड़तियों के साथ जो भी हुई, चलो हमारे भाई हैं ये भी, हमने आज इनको सभी को आप देख सकते हैं सारी मंडी में सारे आड़तियों को उनकी दुकानों पे भेज दिया है। और यहाँ पे मासाखोरों के लिए अभी रात 11 बजे या 12 बजे हम यहाँ मार्किंग करने लग रहे हैं। उस मार्किंग में भी एक ब्लॉक छोड़ के एक में मासाखोर बैठेगा, एक ब्लॉक में बैठेगा फिर खाली फिर बैठेगा। और अभी अभी एसडीएम साहब भी आए थे, सारा वो नज़ारा देख के गए हैं, यहाँ का सारा घूम के गए हैं और वो काफ़ी खुश थे। कहीं ना कहीं हमने मिर्च मसाला लगाया, उसी का परिणाम तो है। हाँ आपकी मिर्च मसाले का तो रहता ही है जी है? आप मिर्च लगाते रहो, हम काम करते रहेंगे। तो थोड़ी बहुत व्यवस्था है, रहेगी बाकी भी? नहीं, व्यवस्था का ऐसा है जी, व्यवस्था का हमारे 62 लाइसेंस ही हैं जो लगभग लगभग अंडर करीबन 40 दुकानें अंडर कंस्ट्रक्शन है,
तो वो 40 दुकानदार और तो अपनी दुकानों पे आ गए हैं, जो बाकी 22 बचेंगे वो भी, उनको भी हमने जो खाली स्पेस थे या उनको जो दुकानें मिली हुई हैं वो उनको एरिया अलॉट कर दिया है, और जो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही थी जो ठेकेदार थे उन्होंने अपनी सफाइयाँ करवा दी हैं, जिसमें चावला जी हैं उन्होंने हर जगह अपनी सफाई करवा दी है, लोग फर्द होने लग रहे हैं और लोग अपनी दुकानों में सामान ले गए हैं, तो सब दुकानों पर ही मिलेंगे सुबह, तो 3:30 बजे कल का दिन हाँसी के लिए अच्छा होगा। आपने ये बयान दिया कड़ाके का बयान था कि मुझे कोरोना से डर लगता है तबादले से नहीं, आखिर ये किस समझ में दिया आपने, किस सोच के दिया? ये ऐसा था कि लोग कह रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, कुछ कह रहे थे कि भाई सरकारी कर्मचारी है इसकी तो बदली करवा देंगे, हम अपनी मर्जी चलाएंगे, तो बदली से तो डर नहीं लगता भाई, लोगों की जान बच जाएगी तो अच्छा है। तो इसके अलावा और क्या संदेश दोगे हाँसी की जनता को, कोरोना महामारी के समय चल रहा है, हाँसी में केस भी लगातार आ रहे हैं? मैं हाँसी की जनता को ये संदेश देना चाहूँगा, वो मेरी सब्जी मंडी में आते हैं तो कृपया करके कोशिश करके अकेले आएँ, जो गाड़ी व्हीकल या कुछ भी लेके आएँ वो पार्किंग में आएँ। पार्किंग बनाई तो नहीं है अभी पार्किंग? हमारा ये जो मंडी के अंदर घुसते ही जो लेफ्ट में एरिया वो सारा पार्किंग के लिए वैकेंट है। कल मोटरसाइकिल वगैरह गाड़ी अंदर आएगी? कल हम यहाँ पुलिस की सहायता लेंगे और हम बैरिकेड्स लगाएंगे, जितने भी व्हीकल आएंगे वो सब पार्किंग में रहेंगे, पार्किंग हमारी काफ़ी बड़ी है, हमारी 1.5 एकड़ में पार्किंग एरिया जो स्पेशल मंडी के लिए है पार्किंग वहाँ रहेगी, और जो भी जन पब्लिक यहाँ आए वो कल मास्क लगा के आए ताकि हम किसी के साथ चलान ना काटें और आप लोग सेफ रहें, आपकी सुरक्षा ही हमारा कर्तव्य है। अब चलान भी कटोगे यहाँ बिना मास्क वाले? हाँ, बिना मास्क वालों के, क्योंकि सुरक्षा उनकी है, सवाल सिर्फ 500 रुपये का है। आज देखा गया SDM साहब सुबह 3 बजे आ लिए थे, आप 9 बजे आए? मैं 9 बजे आया क्योंकि 3 बजे कार्रवाई नहीं हो सकती थी, 9 बजे हम कार्रवाई की है, 9 बजे हमने चलान काटे हैं और SDM साहब की रिपोर्ट थी और हमने कार्रवाई की है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये थे मार्केट कमेटी के सचिव पवन चोपड़ा, साफ तौर पर कह दिया है किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होने देंगे, व्यवस्था तकरीबन हो गई है, थोड़ी बहुत कमी है वो भी कल दूर हो जाएगी, लगातार सुबह से लेकर अब तक ये यहाँ डटे हुए हैं, रात हो चुकी है लेकिन चहल पहल नई सब्जी मंडी में आप देख सकते हैं और मार्केट कमेटी की सेक्रेटरी लगातार यहाँ बने हुए हैं। हरियाणा पोल खोल न्यूज के लिए ललित भारद्वाज की नई सब्जी मंडी से खास रिपोर्ट। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन।